बचा चावल लेके आ रहा था वो गिरा, फिर एक आंटी वॉशरूम जा रही थी फिर वो गिरी है, फिर एक और आंटी जा रही थी वो गिरी है। मैं सबको गिरते ही देख रहा हूँ। मैं Assalamualaikum everyone, this is Vaseem Shahzad, welcome to a new video, I hope कि सब लोग ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर लो भाई। टाइम जो है ना भाई 10:33 हो गए हैं और बस मैं उठते ही सबसे पहले नहाया हूँ। नहाया इसलिए हूँ कि अभी जो है ना अम्मा को लेकर जाना है जी। अम्मा की जो बहन है जिनकी डेथ हो गई थी उनको 1 साल हो गया और आज उनका सालाना ख़त्म है, तो उधर जाना था अम्मा को लेकर। लेकिन भाई जो है ना बाहर निकला हूँ तो बारिश हो गई है जी तेज़। रात से तकरीबन 1 बजे से, रात के 1 बजे मुझे एग्जैक्टली याद है, रात के 1 बजे से लेके अब तक जो है ना मौसम ख़राब है और अभी तक भाई लाइट नहीं आई। तो सारी रात मच्छर ने भी काटा, कोई नींद नहीं आई, नींद भी पूरी नहीं है और वो थका हुआ भी बंदा है, इसी वजह से गर्मी की वजह से इरिटेशन सी रही सारी रात। तो अभी तक लाइट नहीं है, आपको पता है यहाँ पहली बूंद गिरती है बारिश की और लाइट बंद कर देते, उनको तो बहाना चाहिए। तो खैर जो बारिश पहले तो गई थी रुक, मतलब बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अभी फिर से तेज़ होती जा रही है बारिश, ये चेक करो। तो जाने का अब हुआ खड़ा है जी मसला, बड़ी बड़ी कन्फ्यूजन हुई खड़ी है कि कैसे जाया जाए। तो पहले तो प्लान था कि बाइक पे जाएं क्योंकि वहाँ जाती ही बाइक है, गाड़ी तो वहाँ आगे जाती नहीं है। तो अभी कन्फ्यूजन यही हो रही है कि अगर ये रास्ते में बारिश तेज़ होगी तो बन जाएगा मसला। तो अभी अम्मा से पूछते हैं कि क्या करना है, कैसे जाना है, गाड़ी आगे नहीं जाती, मासी के घर तक ना गाड़ी नहीं जाती, तो इसलिए ना हमें बाइक पर ही जाना पड़ेगा। तो बारिश तेज़ हो गई तो मसला बन जाएगा। तो अम्मा से पूछते हैं कि वो क्या चाहती हैं, कैसे जाना है। अभी जो है ना भाई मैंने कपड़े कर लिए हैं जी चेंज, मैंने दूसरे वाइट कपड़े पहने हुए थे क्योंकि ना बारिश हो रही है, तो वो बिल्कुल उसने कीचड़ से ना भर जाना था, फिर आपको पता है वाइट कपड़ों के दाग नहीं उतरते। और बाइक जो है ना बस ताकत के लेके जा रहे हैं, छोटी बाइक है, चीकड़ वगैरह में कहीं गिरने भी लगेगी ना तो बच जाएँगे। मैंने तो अम्मा को कहा है कि भाई अभी सिचुएशन तेज़ हो गई है बारिश वाली, रुक जाते हैं। लेकिन अम्मा कहती है मुझे जाना ही जाना है, बेशक बारिश हो कुछ हो मुझे लेके जाओ। मैंने कहा चलो फिर मैंने कर लिए कपड़े चेंज और गिले होते सोते जैसे भी है ना हम पहुंच ही जाएंगे आज। फिर भाई फाइनली जो है ना पहुंच गए जी हम मासी के घर और बाइक पे हम आए हैं। अम्मा ने भाई ज़िद कर ली बच्चों की तरह कि मुझे जाना ही जाना है, और फिर मैंने भी कहा लाया अम्मा आज मैं आपको पहुंचा के छोड़ूंगा। और ये हालत हो गई है, ये चप्पल शुक्र है मैं पहन के आया हूँ और बाइक पर आया था, ये हालत हो गई बाइक पर, कीचड़ इस तरह की सिचुएशन थी भाई। अम्मा तो चली गई अंदर, मैंने सोचा आपको दिखा दें गाड़ी में क्यों नहीं ले गया, इसीलिए नहीं ले गया कि यहाँ गाड़ी नहीं आती। कैसे नहीं आती ये हालत है, यहाँ गाड़ी कैसे आएगी मुझे खुद बताओ, ले भी आता पीछे भी कहीं खड़ी करता, अल्लाह ना करे कहीं फंस जाती, किसी ने भी नहीं निकलवानी थी, इसीलिए बाइक पे आया हूँ। रास्ते में बारिश अच्छी खासी थी, यहाँ तो बिल्कुल बारिश लाइट और ये रेतला इलाका थोड़ा सा, तो यहाँ ना मतलब वो कीचड़ भी कम होता, लेकिन पीछे यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे बहुत कीचड़ था, फुल गीले हैं भाई, कैमरे में शायद आपको नज़र ना आए लेकिन फुल गीले हैं। और बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल संभाला, अल्लाह अल्लाह करके 1-2 बार तो स्लिप भी हुए। अम्मा कहती है स्लो चलाओ स्लो चलाओ, मैं और कितना स्लो चलाऊँ, अभी अंदर चलते हैं भाई और ख़त्म वगैरह जो है ना वो सारी रस्म ख़त्म करते हैं और फिर वापसी के लिए निकलेंगे भाई। ऐनक देख लो मेरी सारी, फाइनली जो है ना वापस घर के लिए निकल गए हैं। और अम्मा मुझे कहती है कि मुझे उतार दो तुम आगे जाके सड़क सही निकलो, भाई सड़क सही आती कहाँ पे है, छतरी पकड़ के बैठी है भाई। इस तरह की सड़क थी ये, आप देखो ना ये सारी आगे अल्लाह ना करे गिर जाते तो अल्लाह मेहरबानी करे, दुनिया पाँव मुझे ऊपर रखने की जगह नहीं मिली, मतलब ना बार बार स्पोर्ट देनी पड़ती थी, बाइक स्लिप होती थी और यहाँ मुझे इतनी दर्द हो रही है ना ऐसे अकड़ के बैठना पड़ता है कि पाँव इधर उधर लगे रहे। तो अभी भाई आगे भी कुछ सफर इस तरह का ही है, शुक्र है मेरा प्लान था कि मैं अपने वाली बाइक लेके आता हूँ, वो तो बिल्कुल नहीं आनी थी, भारी भी बहुत ज़्यादा थी और उसने ना मैं कहीं ना कहीं गिरा देना था, कोई स्टैंड पायदान सेफ गार्ड नहीं लगा हुआ था, शुक्र है ताकत वाली ले हैं छोटी सी है संभल गई है वैसे। तो अभी जो है ना हम आगे जा रहे हैं, बारिश फिर से हल्की हल्की होने लग गई है जी तेज़, बाकी छतरी हम लेके आए थे अम्मा पकड़ के बैठी हैं छतरी पीछे ना शाही सवारी बना के, लेकिन ये कहना आज बड़ा
अल्लाह करके पहुंचे हैं और अल्लाह करके वापस घर भी जाना है। गाड़ी यहाँ तक आती नहीं थी, कहीं रास्ते में फंस जाते, किसी ने धक्का तक नहीं लगवाना था बाइक पे। ये आना ही बड़ी मजबूरी है कि वो भतीजी मेरी आनी पियान आया था साईं तौर को इम्तिहान ले आया कि मैं खेड़े भाड़ा भी रहा इतनी मुश्किल। हाँ, ये है कि भाई वैसे मैं इस इन चीज़ों से ज़्यादा इस हक में हूँ कि जब इंसान जिंदा होना तो तब उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तो वैसे हम अपनी तरफ से कोशिश करते थे कि जितना हो सके करो, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ना कि इंसान के मरने के बाद उसके लिए ना पीछे वो ख़त्म हो रहे हो और ये हो रहा हो, जब तक वो जिंदा हो ना तब भी उसकी ज़रूर खिदमत भी करो, उसकी हेल्प भी करो, जितना मतलब आप कर सकते हो करना चाहिए। हैं नहीं नहीं गलत है भाई। बारिश जो है ना हल्की हल्की फिर से स्टार्ट हो गई है, बस अब जो है ना किसी तरह घर पहुंच जाएं। ये थोड़ा सा एक टुकड़ा आता है पक्की सड़क का, यहाँ भी ये है कि स्लिप नहीं होता फिर बंदा। तो अभी जो है ना हम थोड़ी देर के लिए भाई रुके थे और इधर देख रहे हो भाई फुल जो है ना गंदम की फसल जो है ना पक चुकी है। और मजे की बात बताऊं, घर जिस गए हैं ना हम मासी के घर, वहाँ एक बच्चा गिरा है। मैं देखता रहूँ, मैं ना उन्होंने भाई पकाए हुए थे जी चावल, जो ख़त्म के चावल होते हैं वो मैं लेके ना कमरे में, रश बहुत था, मैं बाहर आ गया हूँ। पहले एक बच्चा चावल लेके आ रहा था वो गिरा है, फिर एक आंटी वाशरूम जा रही थी फिर वो गिरी है, फिर एक और आंटी जा रही थी वो गिरी है। मैं सबको गिरते ही देखता रहा, मैं इतना कीचड़ बना हुआ था ना वहाँ पे लोगों के आने जाने इधर गुजरने ये वो, तो बस जो गुजर रहा था वो गिर ही रहा था। शुक्र है भाई हम सेफ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेफ रहे हैं, नहीं तो कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम जो है ना बस थोड़ी देर के लिए रुके थे, पक्की सड़क थी और फसलें पे पकी हुई थी, मैंने सोचा भाई यहाँ रुक के ना ये गोल्डन गोल्डन आपको ना थोड़ी सी फसल दिखाई जाए। अभी जो है ना हम पहुँच गए हैं जी नहर पे, मासी लोगों के घर की तरफ जाते हैं तो नहर आती है रास्ते हैं और कुछ ऐसा हुई है, नहर वैसे पानी कम है, सूखी हुई है, मतलब ये सूखी हुई कहते हैं इसे, और इस तरह से भाई आबशार टाइप का एक ना बड़ी प्यारी व्यू आ रहा है, शर 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 की आवाज़ भी आ रही है जैसे बहुत कुछ झील चल रही है पहाड़ी इलाकों में। ये चेक करो, फिर हमने कहा अब गीले हो ही गए हैं तो इंजॉय करके जाए, बारिश को जो है ना मुसीबत ना बनाए बल्कि इसको इंजॉयमेंट का ज़रिया बनाए। गर्मियों का मौसम भी आ गया था तो हम फिर रुक गए यहाँ से थोड़ा सा ना ये भी इंजॉय करने के लिए। अम्मा पे छतरी छतरी ले के, क्या बात है। छतरी भाई हमारी बाप, जब हम आए ना उस वक्त बारिश भी तेज़ थी और हवा भी थी, तो यहाँ से हो गई है टेढ़ी। ये हो गई है जी ख़राब यहाँ से, तो इसको घर जा के देखते हैं क्या सेट होती है या नहीं होती। बाकी भाई बहुत प्यारा व्यू है लेकिन सड़क की हालत बहुत ख़राब है, इससे बचना पड़ेगा। चेक करो, फाइनली जो ना घर भाई पहुंच गए हैं और हमारी गली यहाँ से मतलब दरवाजे के सामने तो खुश्क है लेकिन आगे जो है ना ये सारी वो आगे तक एंड तक सारा कीचड़ की जगह, इस तरह की कीचड़ में बहुत स्लिप होता है बंदा भाई बहुत ज़्यादा। अम्मा भाई ना छतरी अम्मा को मिली है, सही खड़ी है, मज़े कर रही हैं, वहीं गीला होता है सारे रस्ते।
ये भाई अब्बा जी भी मजे कर रहे हैं। पानी थोड़ी सारी गिल्ली हो के आई गली ने। ये सारे मेरे लगता है इंतजार में बैठे हैं कि बच के आते हैं गिर गुर के आते हैं। नहीं भाई हम बड़ी सेफ राइड की है हमने। अच्छा भाई तो अभी ताज़े ताज़े ही गिले आए हैं और कपड़े भी सारे गंदे थे, तो मैंने सोचा भाई लगे हाथों नहा लेता हूँ, कपड़े शपड़े कर लेता हूँ चेंज, और उसके बाद फिर बाकी की जो भी कुछ करना होगा करूँगा। और भाई मोबाइल वहाँ से ना मुझे वापसी में शापर में डाल के लाना पड़ा, क्योंकि ना गीला हो जाता ना आईफोन, तो खैर बच जाता है लेकिन दूसरे मोबाइल में पानी चला जाता ना तो वेला हो बैठना था। मैंने पहले भी इसी तरह मेरा एक खराब हुआ था, तो अभी बस नहा लेता हूँ फिर बाकी की जो रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे। भाई नहा धो के रेडी हो गया हूँ दूसरी बार, आज 2 घंटों में दूसरी बार मैं नहा चुका हूँ जी, और बारिश फिर से हो गई है जी तेज़, और अच्छी खासी तेज़ हो गई। और मैं भी गया था बगैर नाश्ता किए, बस उठा ही था तो अम्मा कहती चलो लेट हो रही है, 11 बजे का ख़त्म था, वहाँ से ख़त्म पड़ा, फिर वापस आया हूँ, चावल बने थे लेकिन भाई मैंने चावल वहाँ नहीं खाए, इसलिए नहीं खाए ईद के बाद 3 दिन से मैं कंटिन्यूसली चावल ही खा रहा था, तो वहाँ से फिर मैंने नहीं खाया। अभी घर आया, नाश्ता पे बना के रखा हुआ था, नाश्ते में देखते हैं क्या बना हुआ है। जब मैं जाने लगा था तब ही नाश्ता मेरा रेडी हो गया था जी, और नाश्ते में पता नहीं आज क्या बनाया, ये क्या, वाह भाई वाह, आज अम्मा ने ना सादा सादा काम किया है, पराठा रखा है और साथ में रखी है जी चाय। तो अभी तो भाई फिर ये ठंडा काम हो चुका है, इसका खाने का कोई सीन नहीं है, गरम करते हैं और अपना भाई नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर बाकी की जो सारी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अलग रहे चंगियाँ मुको ऐसे टंगियाँ बिजली भाई, रात की तकरीबन 1 बजे जब से आंधी चली है बारिश हुई है, बिजली नहीं आई और मोबाइल्स की बैटरीज लो हैं, सब कुछ लो है, अब देखो कब तक आती है। और बाहर भाई बादल हैं, फुल है, सूरज तो है नहीं, तो सोलर पैनल्स भी काम नहीं कर रहे। टाइम जो ना भाई 1:13 हो गए हैं और मेरा नाश्ता अभी हो रहा है जी, तो इधर चाय है भाई और इधर आमलेट है, साथ में भाई पराठा है, तो अभी अपना नाश्ता करते हैं, लंच भी यही है, नाश्ता भी यही है, फिर रात का ही खाना खाएंगे। तो नाश्ता करते हैं, बाहर मौसम जो भाई बारिश तो रुक गई लेकिन बादल भी वही वाला सीन है। वैसे भी न्यूज़ कल देख रहा था, न्यूज़ में भी बता रहे थे कि ना पंजाब में काफ़ी अर्सा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में काफ़ी अर्सा बारिशें चलने वाली हैं, देखो क्या बनता है। तो फिलहाल तो भैया हम अपना नाश्ता करते हैं। मैं अभी बाहर निकला हूँ और इधर जो है ना बैठे हुए हैं जी सोबिया और सोनिया, अपने घर जाके क्यों नहीं खाई, हाँ बड़ा भाई छीन लेता है, क्या नाम है उसका, दानिश, दानिश नाम है, हाँ दानिश नाम है उसका, और नहीं बड़े भाई का नाम क्या है, बड़े भाई का नाम दानिश, वो पापड़ी खो लेंदा। अच्छा भाई इन्होंने ली है दुकान से पापड़ियाँ, और यहाँ पे ना ये गेट के सामने ऐसे बनी हुई है दीवार के ऊपर डिजाइनिंग, और वहाँ बैठ के ये खा रही हैं, घर नहीं लेगा वो दानिश आ गया, पापड़ियाँ खा रहे हैं तेरी बहने। वैसे पर लोग के कमरे बैठे हुए तो घर खो लेंगे इन्होंने को, हैं छीन लेते हो, क्यों छीन लेते हो, ना चीना करो, ये हम कभी नहीं देते, तो तुम्हें पैसे नहीं मिलते इसके अलग से, मिलते फिर क्यों इनसे छीनते हो, हाँ ना छोटी हैं तो छीन लेते हो। तो भाई ये पापड़ी यहाँ छुप के बैठ के खा रही थी कि घर जाएंगे ना तो ये दानिश आ गया, उसको भी कहीं से सूंघ के पहुँच ही गया, फिर भी खा लिया उनसे। तो मौसम जो है ना वो बहुत प्यारा हो गया बारिश के बाद, आसमान को इतना प्यारा हो गया है माशाल्लाह से। तो अभी मैं बस थोड़ी सी वॉक के लिए भी आया था, और वीडियो भी यहाँ पर ना भी नेट बड़ा अच्छा आता है, मैंने स्पीड टेस्ट की थी घर में रूम में भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ बहुत अच्छी स्पीड थी नेट की। तो बस अभी थोड़ी सी वीडियो एडिट करने वाली रहती है, वो एडिट करके फिर वो अपलोड करके घर जाऊँगा। और भाई नींद शदीद वाली आई है, रात को नींद पूरी नहीं हुई, मच्छर की वजह से लाइट गई, फिर मच्छर ने अपना काम दिखाया, तो इसलिए जो ना भाई वीडियो अपलोड करके सोऊंगा, जाके थोड़ा रेस्ट करूँगा। फिलहाल वीडियो को भी करते हैं जी ख़त्म, और इस प्यारे से मौसम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और टेल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपकी तरफ भी बारिशें हो रही हैं या सिर्फ यहीं पर हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।